सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज फिर मैं ले पहुंचा हूं आपको जिला संभल, और दोस्तों जिला संभल में आज मैं तोता मैना की आपको कवर दिखाने वाला हूं। दोस्तों कहा जाता है कि तोता मैना एक ऐसे प्रेमी थे जिनको अक्सर साथ देखा जाता था। दोस्तों यह कवर 1400 वर्ष पुरानी है और इस कवर को बनवाया था पृथ्वीराज चौहान जी ने। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो इन तोता मैना से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इनको देखने के लिए अपने महलों से इधर आया करते थे। दोस्तों इसी कवर को हम आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपने प्रेम कहानियाँ बहुत देखी होंगी और सुनी भी होंगी, हीर रांझा, लैला मजनू इत्यादि की आपने प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी। और आजकल आधुनिक युग में जो प्रेम कहानियाँ आप लोग देखते हैं या दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वैलेंटाइन डे को आप अच्छी तरह जानते होंगे दोस्तों। लेकिन वो 1400 वर्ष का इतिहास मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आज भी मौजूद है जिला संभल के अंदर। दोस्तों वो कवर कैसी है और कैसी दिखती है, कैसा वहाँ का रख रखाव है, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ के बारे में एक अफवाह और है, कहा जाता है कि इस कवर के ऊपर कुछ ऐसी उर्दू में आयतें लिखी हुई हैं जो आज तक किसी से भी या किसी महाविद्वान से भी नहीं पढ़ी गई हैं, और कहा जाता है अगर कोई इन आयतों को पढ़ लेगा तो वह अमर हो जाएगा। तो देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है इन आयतों में। दोस्तों यह कवर संभल से 5-6 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लिए कोई खास निर्माण नहीं किया गया है, खास कोई सड़क नहीं बनाई गई है। दोस्तों ऐसी कच्ची टूटी फूटी सड़क यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि शासन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन यहाँ ध्यान देता तो जैसे कि ऐतिहासिक हमारा ये तथ्य ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आज सुरक्षित रहती और आने वाली पीढ़ियाँ इनको देख पाती। चलिए कोई नहीं, हम क्या इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो कवर दिखाता हूँ जो आज भी मौजूद है तोता मैना की, वो विख्यात कवर दिखाता हूँ, चलिए देखिए। तो दोस्तों ये मार्ग इधर संभल से आ रहा है और बहुत टूटा फूटा ईंटों का खरंजा है, और इधर ये है वो कब्र जिसको 1400 वर्ष पुरानी कहा जाता है, तोता मैना की जो कब्र कहा जाता है। दोस्तों ये वो कब्र है, इस पर कुछ आप लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, इस तरह से कुछ उर्दू की लैंग्वेज लिखी है और उसमें कहा जाता है कि ये लैंग्वेज आज तक किसी से नहीं पढ़ी गई है। दोस्तों शायद दो कब्र होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि दो तोता और मैना की, बट यहाँ पर एक ही नज़र आ रही है, शायद हो सकता है कि एक ही एक कब्र हो बस। और दोस्तों ये कब्र आपको दिखाऊं, नीचे से कुछ कुंड भी रखी है, पता नहीं क्या है, और इधर भी है। इस तरह से कुछ दोस्तों इस कब्र के चारों तरफ कुछ लिखा है, और जो लिखा है ना दोस्तों वो लैंग्वेज आज तक किसी के समझ में नहीं आई। ये जो कवर है इसकी लैंग्वेज आज तक किसी के समझ में नहीं आई, और कहा जाता है कि अगर इस लैंग्वेज को कोई पढ़ लेता है तो वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। ये सही है या गलत इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान जी ने ये कवर बनवाई थी, तोता मैना की जो प्रेम कहानी है वो आज ये कब्र बयां करती है, और इस कब्र को 1400 वर्ष हो गए हैं। दोस्तों यहाँ कोई ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, ये एक कोई शिला है नीचे, ये यहाँ पर ये कोई पत्थर की शिला है, ये बड़ी बड़ी इनके ऊपर ये कब्र रखी गई है, और नीचे भी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों ये देख लीजिए 1400 वर्ष पुरानी ये कब्र है। दोस्तों हम आपके लिए ये कब्र दिखाने आए हैं अपना गाँव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर जिला संभल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को शेयर जरूर करें। दोस्तों आपके लिए ही हम अपने घर छोड़कर इतनी दूर आप लोगों को ऐतिहासिक तथ्यों को, ऐतिहासिक बिंदुओं को दिखाने आते हैं। दोस्तों ये कब्र वो तोता मैना की कब्र है, आप अगर गूगल करेंगे तो पाएंगे तोता मैना की वो ऐतिहासिक कब्र कहाँ है और क्या कहानी है। तो दोस्तों ये वो कब्र है जो मेरे पीछे रखी है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, पूरा जानकारी भी दे दिया है। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए बिंदु के साथ।